सामाजिक बदलाव के लिए संविधान में संशोधन। संविधान बनाते समय यह स्पष्ट किया गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकार असीम नहीं होंगे और राष्ट्र की व्यापक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य मौलिक अधिकारों को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन संविधान के बनते ही समाज के वे लोग जो सामाजिक बदलाव के विरुद्ध थे, उन्होंने न्यायालयों की शरण ली। कुछ लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए किए गए विशेष कानूनों से तो अन्य को जमींदारी प्रथा उन्मूलन से परेशानी थी। इस परिस्थिति को देखते हुए संविधान में पहला संशोधन 1951 में ही बहुत तीखे विवादों के बीच किया गया। उस समय अनेक प्रांतों में शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो एक दृष्टि से समता के अधिकार के विरुद्ध थे, मगर ऐसी जातियों के लिए अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक थे। इसी कारण प्रथम संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार वाले अध्याय के अनुच्छेदों में इस तरह के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 1947 से ही देश की सरकारों ने जमींदारी और बेगारी प्रथा उन्मूलन के लिए कानून बनाए और जमींदारों की जमीन को भूमिहीनों में बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। किसान इसके लिए जबरदस्त दबाव डाल रहे थे और भारत के कई भागों में उनका सशस्त्र विद्रोह शुरू हो रहा था। अतः भूमि सुधार को और नहीं टाला जा सकता था, लेकिन बड़े भूस्वामी न्यायालयों में जाकर इन कानूनों पर रोक लगाने में सफल हुए। अतः प्रथम संशोधन के द्वारा यह प्रावधान रखा गया कि जिन कानूनों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान की नवी अनुसूची में रखा जाएगा, उन्हें किसी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकेगा। उस समय के अधिकांश भूमि सुधार कानूनों को इसी अनुसूची में शामिल किया गया और न्यायालयों ने इन्हें स्वीकार किया। जमींदारी प्रथा तो समाप्त की गई, मगर बड़े भूस्वामियों से जमीन लेकर भूमिहीन कृषकों व मजदूरों को वितरित करने में लगातार कानूनी व प्रशासनिक अड़चने बनी रहीं, जिसके चलते संविधान में कई और संशोधन किए गए। भूस्वामियों का दावा था कि संविधान के बुनियादी अधिकारों में संपत्ति का अधिकार स्पष्ट रूप से सम्मिलित है, अतः किसी की संपत्ति को छीनना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। इन दावों को देखते हुए 1976 में एक महत्वपूर्ण संशोधन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। शिक्षा का अधिकार। जैसा कि हमने पहले देखा था, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। लेकिन स्वतंत्रता के 70 साल होने पर भी हम सभी बच्चों को निःशुल्क तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाए। 1993 में एक महत्वपूर्ण फैसले के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार माना। न्यायालय का कहना था कि जीने का मौलिक अधिकार सार्थक तभी होगा जब लोगों को उचित शिक्षा मिले। इस फैसले को देखते हुए संसद ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया। अब देश के प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बीच स्कूल में नियमित रूप से शिक्षित करना राज्य का दायित्व बन गया। इन उदाहरणों से स्पष्ट होगा कि किस तरह हमारे संविधान में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रावधान किया गया है।
13.3 संविधान का विकसित होता हुआ स्वरूप। भारत का संविधान लगातार नया स्वरूप ले रहा है। इससे जुड़े कुछ उदाहरण हमने अब तक देखे, जैसे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। संविधान में बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किए जाते हैं। संविधान के विकसित होते हुए स्वरूप को हम निम्नांकित उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। 1976 में संविधान में कई बदलाव किए गए। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। समाजवादी शब्द को जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि सरकार भारत के लोगों की समानता के लिए प्रयास करती रहेगी। पंथनिरपेक्षता शब्द को जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करेगा। हालांकि पहले भी शासन में इन मूल्यों को शामिल किया गया था, 1976 के संशोधन में इसे संविधान में स्थान दे दिया गया। इसी प्रकार संविधान में राज्य द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था भी की गई। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो न्यायालय तक नहीं जा पाते थे, वे आज इसी बदलाव के कारण न्याय के हकदार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी अब सरकार ने ले ली है। इसी प्रकार मजदूरों को शोषण मुक्त करने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कारखानों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम रहा है। इसी प्रकार 1992 में संविधान में एक और बदलाव किया गया। अब तक संविधान में शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्यों के स्तरों पर था। 73वें व 74वें संशोधन द्वारा शक्तियों के वितरण के तीसरे स्तर की व्यवस्था की गई। ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय शासन के लिए शहरी निकायों की व्यवस्था की गई। इनके बारे में हम विस्तार से पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अब प्रत्येक गांव और शहर में लोगों की भागीदारी शासन में बढ़ गई है। समाज के विभिन्न वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को इन संस्थानों में आरक्षण के माध्यम से आगे आने का अवसर भी इसी बदलाव से बढ़ा है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान का स्वरूप विकसित हो रहा है। किसी भी समाज की दशा और दिशा का निर्धारक उसका संविधान होता है। विशेष रूप से लोकतांत्रिक समाजों में संविधान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि संविधान के बनने के बाद से आज तक संविधान में कई बदलाव हुए। हमने पिछले अध्याय में प्रस्तावना में पढ़ा था कि हमारे संविधान ने किस प्रकार समाज की रचना का उद्देश्य रखा है। संविधान में हुए बदलाव इन्हीं उद्देश्यों की तरफ बढ़ने के लिए किए गए हैं। साथ ही समाज की बदलती जरूरतों के लिए भी संविधान में बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। जैसे 1989 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, लेकिन न्यायपूर्ण समतायुक्त समाज की रचना के लिए सभी नागरिकों को एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपना योगदान देना होगा।